स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का टेक्निकल दिव्यांग चैनल पर। दोस्तों ऑनर प्ले यूजर्स के लिए यहां पर ऑनर ने एक चौंकाने वाला अपडेट रिलीज कर दिया है। जी हां दोस्तों, और आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में संक्षेप में बात करने वाले हैं, क्योंकि जो ये अपडेट आई है वो काफ़ी चौंकाने वाली है। और ऐसा इसलिए है कि अपडेट आपको सिस्टम सेटिंग्स के अपडेट सेक्शन में देखने को नहीं मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको एक नोटिफिकेशन आएगा सॉफ्टवेयर अपडेट का, और वो भी अपडेट 230 केबी की होगी। जी हाँ दोस्तों, 230 केबी में कहीं ना कहीं इसमें आखिर क्या कोई लिब्स फाइल होंगी या फिर कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई बग फिक्स हुआ होगा, कोई बग फिक्स नहीं हुआ, ना ही आपको सिक्योरिटी पैच की अपडेट मिलती है। लेकिन ये जो अपडेट है वो आपको नोटिफिकेशन पैनल में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आप सिस्टम के अंदर सेटिंग्स में जाकर सिस्टम अपडेट को चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपका सिस्टम जो है वो अप टू डेट है। लेकिन ऊपर में जब आप स्लाइड करोगे तो आपको 230 केबी की अपडेट मिलेगी। और क्या कुछ है इस अपडेट में ये तो पता नहीं चल पाया। और आपको यहाँ पर अपडेट करने की ऑप्शन मिल जाती है या फिर बाद में अपडेट करो। जैसे अपडेट पर आप क्लिक करेंगे आपका फ़ोन हो जाएगा रीस्टार्ट और फ़ोन अपडेट होने लगेगा। तो दोस्तों 230 केबी की एक छोटी सी अपडेट रिलीज़ की गई है। अगर ये आपको अपडेट मिली है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आखिर क्या कुछ चेंजेस हुए आपके फ़ोन में। और अगर ये नहीं मिली है तो मिलना ना मिलना लगभग बराबर है। मुझे लग रहा है कि ओनर ने यहाँ पर प्ले यूजर्स के लिए पहले ही एंड्रॉयड गेम की लिस्ट में इसे नहीं रखा और उसे ऑफिशियली EMUI 10 की अपडेट ना मिलने की जहाँ पे लोगों में रोष है, वहीं पे ये 230 केबी की अपडेट एक मजाक साबित हो रहा है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि अपडेट आपको मिला है या फिर नहीं। अगर ना भी मिला तो कोई बात नहीं है, फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना है। और दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा कि EMUI 10 को लेकर ओनर प्ले यूजर्स के लिए और थोड़ी बहुत उम्मीदें यहाँ पर जग रही है, जो कि सारे यूजर्स जो है उन्हें मेल कर रहे हैं, उन्हें ट्विटर हैंडल पर जो है उन्हें ट्वीट कर रहे हैं या फिर फेसबुक जिस माध्यम से हो रहा है उन्हें यही बता रहे हैं कि वो जल्द से जल्द उन्हें प्रोवाइड करें। और यहाँ पर जो है कुछ भी साफ करने से इनकार किया है ओनर के कस्टमर सर्विस ने। तो फाइनली एक उम्मीद लग रही है कि ओनर प्ले में आपको एंड्रॉयड क्यू की अपडेट देखने को मिलेगी। फिलहाल आज के वीडियो बस इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू।